रहिए। हम मैडम कोई रणनीति नहीं बनाते, हम सिर्फ जनता के बीच में रहते। और आज नॉमिनेशन के बाद नहीं, 5 साल से चुनाव खत्म होगा, चुनाव मैं जीतूंगा और दूसरे दिन से जनता के बीच में। आज नहीं कि आज चुनाव है तो जनता से कहते फिर रहे हैं, बोलते फिर रहे हैं कि वोट दीजिए वोट दीजिए, नहीं। काम करने के बाद वोट का अधिकार जो चुनाव लड़ता है उसका होता है। काम किए हैं वोट तो मिलेगा ही, और सब लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी आपने काम किया है, वोट मैं दूंगा, आपका मेहनताना मैं दूंगा। वो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी जो आप चुनाव जीत के आएंगे तो उस पर? हाँ, प्राथमिकता है हमारी पत्नी के देहांत के बाद नल जल योजना में पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया, थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए। उनके देहांत के बाद फिर मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, तो थोड़ा एक कोरोना काल दो दो बार आया, तो थोड़ा समय का अभाव हो गया जिसके कारण पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया। अफसरों की मनमानी, मेयर महोदया की मनमानी के चलते वार्ड संख्या 20 आधा अधूरा काम हो गया, और मैं चुनाव जीतने के बाद जो अधूरा काम है मैं उसको निश्चित रूप से, और चुनाव जीतने के बाद पहला दिन से उस पर काम शुरू। आपने मेयर के मनमानी की बात की है, इस बार मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही फैसला है मुख्यमंत्री महोदय का, मैंने उनसे मिलकर भी ये बात कहा है, ये सही फैसला है, जनहित में फैसला है, शहर के जनता के हित में फैसला है। वो जो लूट और खसोट का जो मामला चलता था, वो जो रात में बैग में रुपया लेके लोग घुमा करते थे, उससे वंचित रहेगा शहर और सच्चा प्रतिनिधि चुन के आएगा। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी कहना है, वार्ड पार्षदों का ऐसा कहना है कि इससे वार्ड पार्षदों की जो शक्ति है वो छीन हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं शक्ति छीन हो जाएगी या जो भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चित रूप में अच्छा कदम है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री महोदय। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के? बिल्कुल, हमने काम किया है, काम करेंगे और विकास करेंगे, यही जनता से अपील है। जो आपके साथ 5 साल रहा है आप उसका साथ दें, निश्चित रूप से साथ दें, ये आपका कर्तव्य बनता है। विनोद कुमार, पूर्व पार्षद, पटना नगर निगम, हमारी पुत्र वधू भारती कुमारी चुनाव लड़ रही है, महिला सीट।